आदित्य भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे साथ रशीदी भी जुड़ गए जो कि सेक्रेटरी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के। बस अब आप शांत रहिए, बिल्कुल चलिए बस 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 बस। डॉक्टर त्रिवेदी आप कोई नहीं बोलेगा बीच में। अरे भाई क्या तरीका बात करने का, आपने कहा दलितों का आरक्षण, तो दलितों का आरक्षण एएमयू में छीना गया कि नहीं बोलिए, दलितों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दिया गया कि नहीं बोलिए, हाँ या ना। आगे भाषण दे रहे दलितों का, आपने पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों का आरक्षण छीन लिया। आर्टिकल 3 ये दूसरे वाले हैं रशीदी, जवाब नहीं आए एएमयू में। किस मुंह से बात कर रहे हैं आप? मात्र यूनिवर्सिटी जहां दलितों का आरक्षण, पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों का आरक्षण छीन लिया आपने, हां या ना बोलिए, आपको एएमयू के आरक्षण की पड़ी हुई है और जामिया मिलिया में दिया, आप बोलिए हाँ या ना कि आपने हिंदुस्तानी मुसलमानों का आरक्षण छीन लिया। सामना नहीं कर सकते, आप बहुत सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, आर्टिकल 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाइए आप, नहीं देता। चलिए अब ऑडियो बंद कर दीजिएगा। आपसे जो डॉक्टर त्रिवेदी ने बताया, कब हटा रहे हैं इसकी तस्वीर, सीधा सवाल, कब हटा रहे हैं इसकी तस्वीर रशीदी जी? ये देखिए इश्यू जब इन लोगों ने निकाला था 2018 में, तभी हमने ये बात कही थी कि गवर्नमेंट ऊपर से ऑर्डर पास करे, वाइस चांसलर को ऑर्डर करे, जो उनके अधीन आते हैं वो तस्वीर को हटाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जहां अभी स्टूडेंट यूनियन की बात है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन हॉल फिलहाल सील है कोरोना की वजह से, और आउटगोइंग स्टूडेंट यूनियन कोई नहीं है, एकेडमिक सेशन बंद है, और गवर्नमेंट ऊपर से आदेश करे, वाइस चांसलर को ऑर्डर करे, सुधांशु जो बैठे हुए हैं वो तस्वीर को आप हटाना चाहते हैं। दूसरी बात सरकार कहेगी तो हटाइए, सुन लीजिए। अच्छा आप डिमांड कर दीजिए ना, आप मांग करिए, अरे सबको सुना तो सुनिए ना, आप मांग कर दीजिए कि हटाई जाए तस्वीर। अब उसके बाद जो बैठे हुए आपके राजनीतिक विशेषक साहब और सुधांशु त्रिवेदी साहब ने बड़ी बड़ी बात की कि वहां पे आरक्षण छीना गया, आरक्षण छीना गया। मैं उस पे नहीं जाऊंगा, मैं उस डिबेट पे नहीं जाऊंगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 341 पे जो धार्मिक प्रतिबंध लगाया गया, उसके जरिए मुसलमानों को और क्रिश्चियन को रखा गया SC ST, आप सरकार कहेगी तो हटाएंगे, आप सरकार कहेगी तो हटाएंगे, लगाएंगे सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास की लगाई थी, सरकार से पूछ के लगाई थी क्या? ये हिंदुस्तानी मुसलमानों का जब तस्वीर लगाई थी, जब लगाई थी तो सरकार से पूछ के लगाई थी तस्वीर। मुद्दे पे आर्टिकल 341 तो धार्मिक प्रतिबंध है, सरकार उस मुद्दे को उठाएगी वहां से। चलिए वो टॉपिक नहीं है, चलेगा मैं अब आरक्षण का डिबेट नहीं कर रहा हूं रशीदी, चला रहे बैठ करके। चलिए रशीदी आराम से, गुस्सा नहीं रशीदी, आराम से रशीदी एक बात बताइए, आपने कहा सरकार कहेगी तो हटा देंगे, गुस्सा नहीं कर रहा हूं। लगाई सरकार से पूछ कर थी क्या? पहले आप क्लियर कर दीजिए, लगाई सरकार से पूछ कर मैं थी क्या? सुधांशु जी से तकलीफ आपको हो रही है? नहीं नहीं त्रिवेदी, मैं सुधांशु जी से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, दर्द आपको हो रहा है भैया, पेट में मरोड़ आपको हो रहा है, सरकार से पूछ कर तस्वीर लगाई थी क्या जिन्ना की? बताइए कि आप जिसने देश का बंटवारा किया उसके बारे में तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसकी फोटो पर लगने के बारे में? और लगाई सरकार से पूछ कर थी क्या जो सरकार से पूछ कर हटाएंगे? मैं आरक्षण पे सवाल कर रहा हूँ, क्यों भाग क्यों रहे हैं जिन्ना से? अब मरोड़ हो जा रहा है भाई साहब, क्या हो गया जिन्ना से? जवाब दीजिए ना, मैंने जिन्ना में क्या स्टैंड था मेरा? आपने बोला सरकार कहेगी तो हटाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल तस्वीर को हटाइए, मैंने कहा बिल्कुल तस्वीर को हटाइए, तो हटाइए। चांसलर आपके अपने हैं जो वहाँ की गोद में बैठते हैं, हटाइए ना, संसद की, तो हटाइए ना, फिर आप तो सेक्रेटरी हैं, हटाइए ना, हटवाइए ना, फिर मौजूदा वाइस चांसलर आपके वहां के सांसद की गोद में सुबह शाम बैठते हैं। अच्छा बोलिए, हटवाए भाषा, देखिए फिर वही भाषा, अरे भैया तो आप ये आप लहजीब से लोग बात करते हैं, आप कैसे बात करते हैं, भाषा गोद में बैठे, गोद में बैठे, कैसे नहीं पढ़ा जाता, पता नहीं कैसे पढ़ाया जाता है, क्या कर रहे हैं आप लोग, आप सेक्रेटरी हैं इतना, आप पढ़े लिखे हैं, आप कैसी भाषा गोद में बैठे, गोद में बैठे। डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर त्रिवेदी आप बीजेपी डॉक्टर त्रिवेदी सर जिन्ना विरोधी, हर जिन्ना विरोधी बीजेपी प्रवक्ता हो गया, हर जिन्ना विरोधी बीजेपी प्रवक्ता हो गया, आप जिन्ना के प्रवक्ता है क्या? सुधांशु जी को जवाब दे दीजिए। डॉक्टर त्रिवेदी आप प्रवक्ता, डॉक्टर त्रिवेदी हमें सवाल, भैया आप कह दीजिए तो हटा देंगे वो, त्रिवेदी जी को मैं जवाब देना चाहूंगा, वो आप कह देंगे तो हटा देंगे वो, मैं त्रिवेदी जी से सवाल कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ आप कह दीजिए उनको, कह दीजिए सरकार, सरकार कह देगी तो हटा देंगे, बोलने दीजिए। डॉक्टर त्रिवेदी स्तर के, रशीदी जी सुनिएगा, एक स्तर रखिए यहाँ डिबेट का, मैं सिर्फ एक बात है, इन्होंने कहा कि साहब सरकार आदेश कर दे, हाँ, हटा देंगे वाइस चांसलर को तो हटा देंगे, वाह भाई वाह, ये बताइए। और अभी बार बार ही आरक्षण का विषय उठा रहे थे, SC ST का आरक्षण का तो आदेश है,
संसद से पारित अधिनियम है उसे तो मानने को तैयार नहीं, और कह रहे छात्र संघ के भवन में लगी हुई फोटो हटाने के लिए सरकार का आदेश। ये जो दो आपका दोहरा चरित्र है ये अपने आप में एक्सपोज हो जाता है जब ये बात आप कहने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 341 बताइए, फिर बीच में बोलते रहे बोलने में, फिर बीच में बोलने लगते हैं। अरे भाई इतना उतावलापन किस बात के लिए? मैंने सिर्फ एक बात कही कि जो सरकारी आदेश है, जो हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे बाध्यता है, जो भारत के संसद के द्वारा पारित कानून है, वह कानून मानने को तैयार नहीं, और फोटो के लिए कहते हैं सरकारी आदेश होगा तो मानेंगे। वाह, सबको समझ में आता है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। और अभी तक इस डिबेट में एक बार भी किसी ने नहीं बोला कि हां जिन्ना गलत था, जिन्ना शैतान था, देश के विभाजन का आधार था। हमने कभी देखिए उसको रोल मॉडल नहीं बोला, आप कुछ भी बोलते रहिए, चलाते रहिए, आदत से तो तस्वीर क्यों लगी है? कितनी बार भी समझाया जाए आप सुधरने वाले नहीं है, तो तस्वीर क्यों लगी है? अभी सुधांशु जी बैठ के जिन्ना की बात कर रहे हैं इतनी ज्यादा, तो फरवरी 2015 में वजीर आजम साहब नरेंद्र मोदी साहब क्यों बॉम्बे गए, बॉम्बे हाईकोर्ट के म्यूजियम का उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया, उसमें बाकायदा जिन्ना की बैरिस्टर की डिग्री रखी हुई है, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। जिन्ना हाउस है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, और 80 साल के बाद उनको याद आया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, हटनी चाहिए। 80 सालों में कभी आपका रोल मॉडल नहीं है जिन्ना, आप भी उसको कलंक मानते हैं, गद्दार मानते हैं, आप भी मानते हैं, अच्छी बात है, आपके हिसाब से हटनी चाहिए तस्वीर? आप तो सेक्रेटरी हैं सिटिंग स्टूडेंट यूनियन के, रशीदी आप चाहते हैं हटे? क्योंकि आपका रोल मॉडल नहीं है जिन्ना, मुझे अच्छा लगा। बात करते हैं कि आपका शो, जी जी मुझे अच्छा लगा, आपका शो बहुत बड़ा शो है, और इस तरह के अल्फाजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आदत से मजबूर हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं आप, मगर सवाल यह पैदा होता है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो आपके अपने वाइस चांसलर हैं, गवर्नमेंट के बैठे हुए हैं सुधांशु त्रिवेदी साहब, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ऑर्डर करके उसे तस्वीर हटाती? अच्छा आप चाहते हैं हटे तस्वीर, ये बहुत अच्छी चीज है, आज देखिए लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, ये सब चाहते हैं तस्वीर हटे, जिन्ना की तस्वीर को उठाकर फेंक देना चाहिए, ये सब चाहते हैं, बहुत अच्छी बात। बार बार कहा है कि जिन्ना हमारे लिए आस्था नहीं है, 1938 में उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई थी, तब से उनकी तस्वीर वहां पर टंगी हुई है, और सिर्फ जिन्ना की नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की ये बात कर रहे हैं, उनकी तस्वीर वहां पर है, महात्मा गांधी की तस्वीर वहां पर है, एहसान थोड़ी ना है, की तस्वीर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है, राष्ट्रपिता उनकी तो होगी, जिन्ना की थोड़ी ना होगी, गद्दार कलंकित जयचंद जिन्ना। ठीक बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा रशीदी जी आपसे बात करके, आप भी चाह रहे हैं कि तस्वीर हटे, त्रिवेदी जी नहीं नहीं आप ही ने सुधांशु त्रिवेदी को बोलने दिया तो मुझे भी बोलने दीजिए। अच्छा चलिए बोलिए आप, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप सब जिन्ना के खिलाफ बोल रहे हैं, बोलिए 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 बोलिए, अच्छा लग रहा है तो सुनिए ना, जी जी जी, कि बीच में कब बोलिए बोलिए, मैं वही कह रहा हूँ कि उन तमाम लोगों की तस्वीरें वहां पर लगी हुई है जिनको हमने लाइफ टाइम मेंबरशिप दिया था उस जमाने में, और किसी इतिहास को आप नहीं मिटा सकते, इतिहास काला भी होता है, इतिहास सफेद भी होता है, इतिहास अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, आप कह रहे हैं कि जिन्ना के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो ठीक है, एक इतिहास है और एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसमें हिंदुस्तान के सारे इतिहास मौजूद हैं, पास्ट में क्या क्या हुआ है उसको आप मिटाने की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात, एकेडमिक इंस्टीट्यूट में वही पढ़ाया जाता है कि किन लोगों ने हिंदुस्तान को डिवाइड किया, और सुन लीजिए कि हम लोग 2 टाइम्स इंडियंस हैं, एक बाय बर्थ है, एक बाय चॉइस है, हमने जिन्ना के पाकिस्तान को नहीं अपनाया, हमने को इस जमीन से, हिंदुस्तान की सरजमीन से मोहब्बत थी, लगाव था, हमारे आबाओ अजदाद ने जिन्ना को लात मार के मौलाना अबुल कलाम आजाद को माना और हिंदुस्तान में रहना पसंद किया, जिन्ना को और लात आज आप जिस तरीके से पढ़नी चाहिए टारगेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है रशीदी जी, आज बहुत शानदार रशीदी जी, जिन्ना को लात पढ़नी चाहिए, जिन्ना एक कलंक है, गद्दार है, जिन्ना जयचंद है, जिन्ना की तस्वीर को उठाकर फेंक देनी चाहिए, बस और क्या चाहिए त्रिवेदी जी, देखिए सारे जिन्ना विरोधी हैं, बिल्कुल और क्या चाहिए त्रिवेदी जी, वाइस चांसलर आप तो खून से चिट्ठी लिख रहे हैं भाई, आपको हटवा दीजिए जिन्ना की तस्वीर, कोई विरोध नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा, जिन्ना की तस्वीर को उठाकर फेंक दीजिए, ये लोग खुद लाते मारेंगे उसको, त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी जब चुनाव फिर मैं अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ आ गए हैं, अनुराग भदौरिया भी हैं और अवनीश अवस्थी भी हैं, लेकिन पहले त्रिवेदी जी आप जवाब दे दीजिए, तब आपने जिन्ना को बाहर निकाला, जी जी अभी फिर 6 महीने में उत्तर प्रदेश, अच्छा ये चुनावों की वजह से जिन्ना का जिन निकालते हैं लोग, ठीक है, त्रिवेदी बताएं कि नरेंद्र मोदी क्यों गए थे वहां पे इनॉग्रेशन करने, जहां पर बता रहे बता रहे बता रहे बॉम्बे हाईकोर्ट के म्यूजियम बता रहे बता रहे, डॉक्टर त्रिवेदी आप बता दीजिए इनको, बता दीजिए चुनाव में जिन्ना को जिंदा करेंगे आप लोग चुनाव की वजह से, पहली बात तो जी पहली बात तो रशीदी साहब को बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि इतिहास के बारे में बिल्कुल सही है और होना चाहिए, तो क्या ये बता सकते हैं कि एएमयू का पहला ग्रेजुएट कौन था,
और जब एएमयू बना तो कितने फतवे जारी हुए थे एएमयू बनाने वाले सर सैयद अहमद खान के खिलाफ, बताइए। और कौन ऐसे मौलाना अच्छा थे जो मक्का मदीना से भी फतवा लेके आए थे, बताइए, बताइए, आप बताइए। बहुत अच्छा, हाँ, आप बताइए कौन थे, दोनों बातों के जवाब दे। नहीं, आप बताइए, आप बताइए, आप तो वहां के सेक्रेटरी हैं, हुआ तो फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ एएमयू, बताइए यूनिवर्सिटी का, बताइए, आप यूनिवर्सिटी को हमेशा टारगेट करते हैं, आप कहते हैं कि वहां पर सिर्फ हिंदुओं का उत्पीड़न होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आज बताइए रशियन डिबेट चैनल पे बैठ करके आप कि फर्स्ट ग्रेजुएशन करने वाला वहां से कौन था। अब चलिए, मैं अपनी जबान से नहीं बताऊंगा, आप बताइए मुझको। अब मैं जवाब देता हूं, त्रिवेदी। अच्छा, सबसे पहला जमीन देने वाला कौन था, जवाब दे दीजिए कि नरेंद्र मोदी साहब क्यों। चलिए, मैं बोल देता हूं, नरेंद्र मोदी साहब क्यों बॉम्बे आके पैनलिस्ट। हाँ, डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर त्रिवेदी, जहां पर जिन्ना बक्की बैरिस्टर की डिग्री रखी हुई है, ठीक, मैं उसका भी जवाब देता हूं। हाँ, ठीक ठीक, एक एक करके बोलेंगे, समझेगा रशीदी जी। अब मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूं, देख, लिखते ईश्वर प्रसाद उपाध्याय, ठीक, सबसे ज्यादा जमीन दी थी, मैं क्यों राजा महेंद्र प्रताप, मैंने इससे पहले उस दिन डिबेट में बोला है, आप पूछिए इस जमाने में, अमन चोपड़ा से आप पूछिए किससे पहले वाले डिबेट में मैंने क्या बताया था इनको। और ठीक 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 डॉक्टर त्रिवेदी, अब सुनिए दूसरी बात, जिस जमाने में सर सैयद ने इसका स्थापना की तो जानते क्या हुआ, लगभग 50 फतवे थे इसके खिलाफ, 50। और एक चौधरी रहमत अली गोरखपुर के थे जो कि मक्का और मदीना से जाके भी फतवा लेके आए, और जानते क्या कहा गया उन फतवों में, कि ये आदमी पूरी तरह इस्लाम के खिलाफ है, ये काबिले गर्दन जनी है, इनकी गर्दन काटी जानी चाहिए, और ये काम करना हर मुस्लिम का दीनी फरीजा है, यानी धार्मिक कर्तव्य है, इस ढंग के फतवे जारी किए गए। और आज आप कह रहे हैं कि वह उसका प्रतीक, अरे हकीकत तो यह थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सबने मिलकर खड़ा किया, मगर जब से जिन्ना जैसी विचारधारा से आपने इसको टेक ओवर किया उसके कारण से बाद में यह समस्या राजनीति। अच्छा, अनुराग भदौरिया, अभिजय श्रवस्ती और शिवांग, अच्छा मेरे साथ शिवांग तिवारी भी है, प्रताप ने जनसंघ के बारे में किया। अच्छा अच्छा, चलिए इतिहास बाद में पढ़ा देंगे आपको, सब इन्हीं से पढ़ लेंगे, यहीं पर सारी क्लास यहीं ले लेंगे। मेरे साथ शिवांग तिवारी हैं, अनुराग भदौरिया और अवनिजय श्रवस्ती भी हैं। शिवांग तिवारी वही हैं जिन्होंने मुझे बताया गया, इन्होंने चिट्ठी लिखी अपने खून से। नहीं, अब हमारा शिवांग कर रहे हैं, आप बताइए, मैं शिवांग करता हूँ, शिवांग राजा महेंद्र शिवांग। अच्छा, ऑडियो बंद कर।